अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सोच रही होंगे कि आज ये किचन में कौन सी तैयारियां चल रही हैं। तो आज मेरे घर में है अफ्तार दावत, तो बस ये वही तैयारियां चल रही हैं, सोचा आपके साथ शेयर करें। तो ये मैंने सबसे पहले आलू रख लिए आते ही किचन में, बस जल्दी से आते ही मैंने आलू रख दिए हैं और कॉर्न रख दिए हैं बॉयल करने, और साथ ही मैंने कटिंग शुरू कर दी है ताकि मैं अब जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म कर सकूँ। जब दावत हो घर में और जब सारे काम आपने करने हों तो फिर तो बहुत जल्दी टाइम गुजरता है। ये मैंने डीप फ्रोस्ट करने के लिए चीज़ें फ्रीज़र से निकाल ली हैं ताकि जब हम फ्राइंग इसको करने लगे तब तक ये सेटल डाउन हो जाए अच्छे से। और ये सब फ्राइंग आइटम्स हैं जो कि मैंने अभी अभी फ्रीज़र से निकाल के रखी हैं, तो इसको अभी हम साइड पे रख देंगे क्योंकि फ्राइंग तो बिल्कुल एंड टाइम पे ही होती है। कुछ कटिंग मैंने कल कर ली थी और बाकी जो बाकी प्रिपरेशन है सब आज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब दावत घर में होती है दो दिन पहले ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं क्लीनिंग में और घर की सब कामों में। इसीलिए कटिंग का काम मैंने कल ही कर लिया था और बाकी अब मैं आज देखूँगी ताकि मेरे काम थोड़े जल्दी से हो जाएँ और आसानी से हो जाएँ। तो अभी मैंने शुरू करती हूँ अपनी चना चाट बनाना। ये आलू भी डन हो गए हैं, तो टमाटर मैंने डाले हैं सबसे पहले अच्छे से फ़ाइन चॉप करके, और इसमें मैंने ये शामिल कर दिया है प्याज, ये भी मैंने फाइनली चॉप किया था। इसमें बॉईल करके मैंने आलू डाले हैं। इनकी डिटेल से रेसिपी इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज तो जैसे इफ्तारी की तैयारी चल रही है, आज तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, तो इसीलिए आज तो बस जल्दी जल्दी दिखाऊँगी और डिटेल में इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। तो ये मैंने अब इसके ऊपर डाल दी है, ये मैंने सारी चीज़ें मिक्स की अच्छे से, और अब मैं इसके ऊपर ये योगर्ट मिक्स करके, इसमें कुछ भी नहीं मैंने अभी शामिल किए योगर्ट में, बिल्कुल प्लेन है, बस थोड़ा सा पानी डाल के ताकि वो जितनी ज़्यादा थिक थी वो थोड़ी ठीक हो जाए। और इसको मैंने इसके ऊपर एक अच्छी सी तह लगा देंगे, एक लेयर लगाएंगे इसके ऊपर योगर्ट की। आज की वीडियो में जो कैमरा इतना हिलेगा, बार बार इधर जाएगा उधर जाएगा वो, और सॉरी फॉर द मेस, तो क्योंकि आज की प्रिपरेशन ही तैयारियां हैं अफ्तार की, तो इसीलिए आज तो काम जल्दी जल्दी हो रहा है, जो वो वैसे ही कैमरे में भी नज़र आ रहा है। ये मैंने जल्दी से इसके ऊपर अब डाल दिया है, अच्छी सी एक लेयर लगा दी हमने दही की। दही बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने उसे पानी डाल के उसको अच्छे से फेंट लिया था, ठीक। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ टर्मरिक सॉस, और ये मैंने इसके ऊपर जस्ट ऐसे लेयरिंग की तरह उसके ऊपर हमने फैला दिया है। इसकी जस्ट लेयर होती है, इसके अंदर सारे को मिक्स नहीं करना। ये इसके ऊपर फिर मैंने एक और लेयर लगाई थी चना मसाला जो भी हमने मिक्स किया था सारे मिक्सचर की, और थोड़ी सी दही, और दोबारा एक दूसरी लेयर लगा के ये मेरी चना चाट अब बिल्कुल रेडी है। चलें अब मैं जल्दी से अपनी फ्रूट चाट की तरफ होती हूँ। ये फ्रूट्स मैंने निकाल लिए हैं, ये ग्रेप्स हैं, काले अंगूर, और यहाँ मेरे पास है नाशपाती, अनार, सेब, और यहाँ पे मैंने किन्नू रखे हैं क्योंकि अभी तो माशाल्लाह मौसम अभी किन्नू का चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मार्केट में अभी तक मिल रहे हैं किन्नू, इसीलिए मैंने कहा चलें इसमें किन्नू डाले जाएं, वरना मैं माल्टे ही शामिल करती हूँ। तो ये मैं सबसे पहले इसमें स्ट्रॉबेरीज कट कर रही हूँ, बहुत ही मज़े की मीठी स्ट्रॉबेरी थी ये। फ्रूट चाट में तो सारे ही फल जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप सारे डाल दिया करें। कुछ लोग होते हैं कुछ पसंद नहीं करते कि हमें कीवी नहीं पसंद, या फिर हमें कोई और ऐसा फल है जो कि खरबूज़ा, वो फ्रूट चाट में नहीं पसंद, लेकिन मैं प्रेफर ये करती हूँ कि आपके पास जितने फल हैं आप सारे इस्तेमाल करें फ्रूट चाट में, उसका नाम ही इसीलिए फ्रूट चाट है। और अगर सारे के सारे फल मीठे हों तो और मज़े की बनती है। तो अब ये मेरा सबसे मुश्किल तरीन काम मुझे मिल गया है, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है, अनार निकालना। तो अब हम अपने इस मुश्किल काम को सर अंजाम देते हैं और कोशिश करती हूँ कि ये काम मेरे से जल्दी जल्दी हो जाए, मेरा इसमें बहुत टाइम लगता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है अनार निकालना। तो सबसे पहले हमने जो स्ट्रॉबेरीज डाली थी उसके बाद मैंने अनार का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ का कलर निकलता है, और अगर मैं जैसे वाइट फ्रूट है जैसे सेब हैं और नाशपाती है उनका कलर वाइट में होता है, तो अगर वो इसके साथ शामिल करें तो कलर बहुत जल्दी उसके ऊपर चढ़ जाता है, इसीलिए मैं पहले स्ट्रॉबेरी डाली है उसके बाद मैं अनार निकाल रही हूँ। अच्छा, मुझे इसका एक ये भी लगता है कि जिस वजह से मुझे इस पे टाइम ज़्यादा लगता है कि मुझे इसका एक एक दाना बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए, शायद इस वजह से इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मैंने अनार भी निकाल लिया है, फाइनली मेरा ये जॉब डन हो गई है। अब मैं काला अंगूर ये मैं इसके साथ कट कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने अभी नाशपाती कट की तो मुझे याद आया कि अंगूर भी जो मैंने इसमें शामिल करना है वो ग्रीन वाला नहीं है, ब्लैक है, इसका भी कलर निकलता है, इसीलिए पहले मैंने कहा ये कट कर लूँ। तो ये मैंने इसमें अब अंगूर कट कर रही हूँ क्योंकि वो उसके पीस थोड़े बड़े थे, अंगूर का दाना बड़ा था, इसीलिए मैं उसको दरमियान से भी कट कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नाशपाती, नाशपाती हो या सेब हो, कोई भी फ्रूट हो, तो वो मुझे ज़रा सख्त पसंद है, नरम नहीं पसंद, और मीठा हो और ज़रा सख्त हो, क्योंकि नरम होता है तो बच्चे भी ज़्यादा शौक से नहीं खाते,
तो अभी मैं इसको इस तरह शामिल नहीं करूँगी, मैं पीछे से इसको पील करूँगी, यानी कि अच्छे से उसको पीछे से भी उसका छिलका उतार रही हूँ। कुछ लोग बगैर इसके छिलका उतारे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं इसका छिलका उतार रही हूँ नाशपाती का। और अब मैं इसके अंदर नाशपाती कट कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने नीचे फ्रूट वो रखे जिनका कलर उतरता था, और ऊपर मैं वो फ्रूट डाल रही हूँ कि जिनका कलर इनको नहीं लगे, क्योंकि अगर हम मिक्सअप कर देते हैं तो अभी सर्विंग से पहले ही सारा फ्रूट एक दूसरे से कलर उसका एक दूसरे के साथ लग के अजीब सी उसका सारा कलर कम्बिनेशन शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं ज़रा इस चीज़ का एहतियात कर रही हूँ, क्योंकि आज प्रेजेंट करना है गेस्ट के सामने, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये छोटी छोटी टिप्स ही होती हैं जो किचन में काम करते वक्त अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं। अब मैं सेब कट करने लगी हूँ, और सेब का छिलका भी मैं उतार लूँगी। और अब हम इसको सारों को इकट्ठा पहले कर लेते हैं, पहले कटिंग इसकी करके रख लेंगे और फिर हम उसके अंदर कट करके रखते जाएंगे। आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने अभी तक इसको मिक्सअप नहीं किया सारी फ्रूट चाट को, जैसे कि मैं एक एक फ्रूट ऐड कर रही हूँ और उसको कट कर रही हूँ, तो उसको मिक्स भी करती जा रही हूँ साथ साथ, ऐसे नहीं है। मैं उसको बिल्कुल एंड पे मिक्स करूँगी ताकि इनके कलर एक दूसरे को ना लगे। तो ये अब मैं इसके अंदर ये शामिल कर रही हूँ सेब, इसकी भी कटिंग कर ली, जो बड़े हैं उनके थोड़े से छोटे पीसेस ताकि एक जैसी हो, ये नहीं कि कुछ पीस बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे, सबकी कटिंग एक जैसी होनी चाहिए। सेब कट हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मैं शामिल कर रही हूँ कैन वाला, फ्रेश मुझे अच्छा मिला नहीं था इसीलिए मैंने कैन वाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फ्रेश पाइनएप्पल यूज़ करते हैं तो उसकी एक अच्छी पहचान ये होती है उसके मीठे होने की, कि उसका कलर अच्छा सा येलो, अगर जिसका कलर अच्छा सा येलो होगा तो इसका मतलब है वो पाइनएप्पल मीठा होगा, और जो थोड़ा थोड़ा हल्का पीले रंग का होता है तो दैट मीन वो इतना मीठा नहीं होगा। तो खैर, मुझे तो अच्छा मिला ही नहीं पाइनएप्पल, इसीलिए मैंने फ्रेश पाइनएप्पल नहीं ले रही, मैं कैन यूज़ कर रही हूँ। और ये मैं इसको अच्छे से इसके अंदर शामिल कर लूँगी जितना मुझे लगेगा कि इसमें होना चाहिए, थोड़ा सा मैं रख लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच पाइनएप्पल जूस, जो कि इसके अंदर ही सिरप होता है, वही मैं इसके अंदर सिरप डाल दूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच। मुझे फ्रूट चाट में पाइनएप्पल बहुत पसंद है और इसने ये मैं इसमें ज़रूर शामिल करती हूँ। अब मैं इसके जो कुछ बड़े पीसेज हैं तो मैं इनको थोड़ा सा दरमियान से कट कर लूँगी। कुछ पाइनएप्पल जो कैन वाले मिलते हैं उनमें होल ही रिंग होते हैं पाइनएप्पल के, खुद कट किए जाते हैं, तो उसके आपकी अपनी चॉइस होती है, आप उसको जिस तरह भी काटें। लेकिन ये जो चंक्स वाले होते हैं, इसके जो कुछ जो चंक्स हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा, इनमें से सारों का नहीं लेकिन कुछ कुछ को मैंने थोड़ा दरमियान से कट कर लिया। अब मैं इसके अंदर बनाना शामिल करूँगी। बनाना मैं बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करती, सिर्फ मैं इसके अंदर ये जितना बॉल मैंने बनाया है इसके अंदर 2 से 3 मैं बनाना कट करके डालूँगी, और वो भी दरमियान से भी उसको कट करूँगी। और अब ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये चाट भी रेडी हो गई है। फ्रूट सारे जो जो मैंने इसमें कट करके डालने थे सब कट हो गए हैं। अब मैं फाइनली इसके ऊपर डालूँगी जूस, और ये सिर्फ़ और सिर्फ किनू का जूस है, और एक दो किनू पीसेस में कट करके वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और ये मैंने इसमें किनू का जूस डाल लिया है, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको सर्विंग बॉल जिसके अंदर मैंने अपनी प्रेजेंट करनी है, अब मैं इसको उसके अंदर डाल रही हूँ। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी एक दफ़ा, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे कलर्स जो फ्रूट के हैं सबके अपने अपने साफ नज़र आ रहे हैं, किसी का कलर एक से दूसरे पे नहीं आया। तो अब मैं बस इसको फाइनली एक दफ़ा ही बस अच्छे से मिक्स करके, तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए, और फिर हम इसको चिल्ड बिल्कुल सर्व करेंगे। और ये हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई है। मैंने इसके ऊपर कोई शुगर ऐड नहीं की, ना ही कोई चाट मसाला ऐड किया है, बिल्कुल मेरे घर में ऐसी ही फ्रूट चाट बनती है। इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं होता, जस्ट सारे फ्रूट्स जो कि अवेलेबल होते हैं घर में उनको कट किया जाता है, और उसके ऊपर ऑरेंज जूस डाल देती हूँ बस, और ख़त्म। इसके अंदर कुछ हम और ऐड नहीं करते। अब मैं फाइनली इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा मैं पाइनएप्पल डाल रही हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं पाइनएप्पल अभी थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखूँगी। तो ये है कि इसकी लुक एक अच्छी सी आती है, इसीलिए बस चंद एक ऊपर मैं अच्छे से गार्निशिंग के लिए ये पाइनएप्पल डाले, और ये फ्रूट चाट बिल्कुल अब रेडी है। अब इसको अच्छे से मैं कवर करके फ्रिज में रखती हूँ। जितनी अच्छे से चिल्ड हुई होगी फ्रूट चाट उतना ही खाने में मज़ा आता है। तो अब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। तो अब मैं बनाने लगी हूँ सैंडविचेस। तो ये मैंने सबसे पहले इसमें मायो ली है, इसको अराउंड 1 कप है मैंने इसमें मायोनीस शामिल किया है, और ये बहुत ही जल्दी बनने वाले सैंडविच है। ये अभी आपके साथ मैं इसकी टोटल पूरी डिटेल से रेसिपी शेयर करूँगी, आप परेशान नहीं हो कि आज काम जल्दी जल्दी हो रहा है तो आज कुछ भी नहीं बता रही मैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, आपको मैं इंशाल्लाह डिटेल से सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाते हैं और इतने मज़े के बनते हैं कि बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। मेरे घर में अक्सर ये बनाए जाते हैं बच्चों को, क्योंकि ये इतने पसंद हैं, तो इसीलिए मैंने कहा
चलें, और ये आज भी बच्चों के लिए ही बनाए जा रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ। तो ये मैंने सिर्फ मेयोनीज डाली है 1 कप के करीब, और उसके ऊपर उसके अंदर मैंने शामिल किया है 2 चम्मच भर के खाने के क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने शामिल किया है नमक, नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब लिया है, और 1/2 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ उसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसकी प्रिपरेशन पहले से करके रखें तो जस्ट 10 मिनट में ये सैंडविचेस इतने मज़े के तैयार हो जाते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दही, दही अराउंड 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है, लेकिन दही को आपने बहुत एहतियात से इसमें डालना है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ग्रीक योगर्ट यूज़ करनी है आपने, और आप इसको जब इसमें डालें फिर इसको अच्छे से इसको मिक्स करें आप तीनों चीज़ों को। अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट नहीं है तो आप योगर्ट को मलमल के कपड़े के अंदर हैंग करके रखें, तो उसके अंदर से सारा उसका एक्सेस वाटर निकल जाएगा, और वो फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल करें। और जब इसके अंदर आप शामिल करेंगे दही तो इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, किसी भी किस्म के इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चिकन। चिकन को मैंने पहले बॉयल कर लिया था, थोड़ा सा काली मिर्च और नमक डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया और इसको अच्छे से श्रेड कर लिया। अब ये देखें मैंने इसको सारे चिकन को अब इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे वो है एग। मैंने 4 अंडे लिए हैं और हार्ड बॉयल किया है इनको, और अब हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से अंडों को मैंने मैश कर लिया है। अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा इनके अंदर मिक्सर के अंदर शामिल करती जाऊंगी और उसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे मिक्सर के अंदर ये इन शामिल करके इनका अच्छा सा एक मिक्सर तैयार कर लूँगी। ये देखिए ये जैसे कि हमारा बिल्कुल अब मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें थोड़े थोड़े अंडे शामिल किए और इसको मिक्स करती गई। अब हम ब्रेड ले लेते हैं और इसके कॉर्नर हमने बिल्कुल कट कर देने हैं। ब्रेड की कटिंग करते वक्त आपने एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जिस नाइफ से आप कट कर रहे हो वो शार्प होनी चाहिए, और आप 3 से 4 पीसेस को लें और उनको लाइंड अप करके और आप उसके कॉर्नर्स को अच्छे से कट करें। जैसे कि ये जो मेरी नाइफ है ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से अच्छी कटिंग नहीं हो रही थी, तो एक तो काम वैसे ही जल्दी जल्दी में हो रहा है और ऊपर से ये मुझे नाइफ भी तंग कर रही है, इसीलिए मैंने इसको चेंज कर लिया और मैंने शार्प नाइफ ली, उससे कटिंग बहुत अच्छी और जल्दी हो गई। इसीलिए कोशिश करें कि शार्प नाइफ से ब्रेड की कटिंग करें वरना ब्रेड सारी ख़राब होती है। और ये मैंने जल्दी जल्दी अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी क्योंकि अभी टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें मेरी डन हो गई हैं। तो ये देखें मैंने सारी कॉर्नर्स भी इसके अच्छे से कट कर ली हैं, चारों तरफ से हमने इसको कट करना है। और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि जो सी ब्रेड हमारी बच रही है ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी या डिस्कार्ड कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने इसको डिस्कार्ड नहीं करना, आप इसको बहुत ज़बरदस्त होममेड इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। ब्रेड क्रम बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है, आप इनको अच्छे से फैला के इसको किसी खुली जगह पर फैला के हवा में भी रख सकते हैं, और उसके बाद इसको आप अच्छे से चॉपर में पीस लें, और या इसके अलावा आप इसको ये जितने भी कॉर्नर्स हैं इनको सारों को आप फ्राई पैन में ड्राई रोस्ट करके और उसको आप अच्छे से बाद में चॉपर में पीस लें। मैं इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इसीलिए मैं इसको जिप लॉक बैग में डाल के अभी फ्रिज में रख दूँगी और इसको बाद में फ्री होकर इंशाल्लाह इसको मैं ब्रेड क्रम इसको तैयार करूँगी। बिल्कुल आपने ब्रेड ज़ाया नहीं करनी। अब हम इसके अपने मिक्सर को जल्दी से इन ब्रेड पर स्प्रेड करेंगे और ये हमारे सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हो जाएंगे बहुत ही जल्दी से। और कुछ भी नहीं इसके ऊपर अब हमने अप्लाई करना, जस्ट हमने सिंपल इस ब्रेड के ऊपर हमने अपना इस मिक्सचर को सारा स्प्रेड करना है अच्छे से, और दूसरा प्लेन स्लाइस इसके ऊपर रखना है, और दरमियान से मिडल से हमने इसको सैंडविच कट कर देना है। इसको ज़्यादा प्रेस डाउन नहीं करना, जस्ट हमने अप्लाई करना है ब्रेड के ऊपर अच्छे से, और इसको हमने दूसरी ब्रेड के साथ कवर कर देना है। ब्रेड आपकी जितनी अच्छी फ्रेश होगी ये उतने ही सैंडविचेस मज़े के बनते हैं। फ्रेश ब्रेड को हमेशा आप हल्के हाथों से ही इस्तेमाल करें, जैसे कि उसकी अगर कटिंग कर रहे हैं आप या उसके कॉर्नर्स रिमूव कर रहे हैं या जैसे अभी इसकी दरमियान से कट मैं कर रही हूँ, तो इसको हल्के हाथ से करें। ज़्यादा प्रेशर डाल जब हम उस पर डालते हैं तो वो जो ब्रेड है वो और बैठ जाती है, ये होती है फ्रेश ब्रेड की पहचान। तो ये हमारे सैंडविचेस कट हो गए हैं, मैंने उनको दरमियान से ट्राइंगल कट कर लिया है। अब इसी तरह मैं अपने बाकी सारे भी सैंडविचेस रेडी कर लूँगी और ये इस डिश में मैं रेडी कर करके रखती हूँ।
देखा आपने कितनी जल्दी ये सैंडविचेस हमारे तैयार हो गए हैं, और अभी ये मैंने इनको फुल डन कर लिया है। ये मेरे सैंडविचेस भी अब बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इनको कवर करके साइड में रख दूँगी और अब मैं जल्दी से अपना पास्ता रेडी कर लेती हूँ। पास्ता की वेजिटेबल्स की कटिंग मैंने आपको दिखाई थी कि मैंने कल ही करके रख दी थी, और अभी ये इस साइड में मेरा पास्ता बॉयल्ड हो रहा है, और यहाँ पर मैंने अपनी चिकन कढ़ाई भी मेरी रेडी हो गई है। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, पास्ता की रेसिपी और चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ पे ज़रूर जाके ये देख सकते हैं और इसको ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अब ये मेरी ये चीज़ें भी रेडी हो गई हैं, अब मैं जल्दी से अपनी डेट्स को रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने खजूरों के अंदर से उसकी उनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं, और अब मैं इनके अंदर जस्ट फ्रेश क्रीम लगाऊँगी, और उसके साथ ही मैं इनके ऊपर एक एक बादाम ये रखूँगी, और ये हमारी खजूरें भी रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी डिशेज़ अब वन बाई वन रेडी हो गई हैं। अब जस्ट मेरी फ्राइंग रह गई है। इन खजूरों के बाद जल्दी से मैं अपनी फ्राइंग की तरफ होती हूँ। क्रीम मैं ये वाली फ़्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी क्रीम फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी की। तो ये बिल्कुल ऐसे हम सारी अपनी डेट्स को रेडी कर करके इसमें लगाते हैं, और इसके बाद अपनी ड्रिंक्स की तरफ होते हैं, और जस्ट फिर एंड में हम अपनी फ्राइंग करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और इसके साथ साथ ही हमारी डेट्स जी बिल्कुल रेडी हो गई हैं, और अब हम अपनी ड्रिंक्स की तरफ चलते हैं। मैंने ये टैंक बनाए हैं, दो जग मैंने टैंक के बना लिए हैं, और इसके साथ मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया है। रूह अफ़ज़ा ये है कि मैंने सहरी के टाइम पे ही बना के इस बॉटल में रख लिया था ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अब सर्विंग के टाइम पर मैंने इसको जग में डाल लिया है। अब जस्ट मैं फ्राइंग करूँगी और अपनी अफ्तारी सर्व करूँगी। जी व्यूवर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें मेरी सब चीज़ें बिल्कुल रेडी हो गई हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल टाइम पे सारे काम हो गए मेरे, और अब मैंने बस ये सर्व कर दी है अपनी अफ्तारी को, और अब तो मेरे गेस्ट भी आ गए हैं, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके अपनी अफ्तारी, आई होप आपको भी ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।